सभी पेजेस को अलग अलग करके डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हूँ, है ना। तो वो कैसे हम पीडीएफ फाइल के पेजेस को अलग अलग करते हैं, ब्रेक करते हैं, उनको अलग अलग सेपरेट बना सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर पेज को, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम इस पीडीएफ फाइल को क्लोज करते हैं। दोस्तों पीडीएफ फाइल क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको एक वेबसाइट को ओपन करना है, स्मॉल पीडीएफ, एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है एंड नीचे आना है, सी ऑल पीडीएफ टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक टूल मिलेगा, है ना, तो उस टूल को हमको सिलेक्ट कर लेना है। टूल का नाम होगा पीडीएफ टू जेपीजी, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमें अलग अलग करना है, है ना। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये है पीडीएफ वाली कंप्यूटर की, इसको हम अपलोड कर देते हैं। एंड यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करके चूज ऑप्शन पर क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ रहा है प्रीव्यू का। अब दोस्तों इसके अंदर आप पर्टिकुलर पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ डाउनलोड बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर कोई भी पेज है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर पेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब दोस्तों आपको लग रहा है कि मुझे सारे पेजेस चाहिए अलग अलग ब्रेक करोगे, है ना, तो हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं तो एक ही बार में सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड देखिए सभी आपके पेजेस डाउनलोड हो चुके हैं एंड मिनिमाइज करते हैं, दिस पीसी में जाते हैं क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको आपकी डाउनलोड वाली फाइल। तो देखिए हमने सिंगल पेज डाउनलोड किया था, वो आ गया, है ना। अब यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, तो एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करके इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सारे पेजेस अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये पेजेस आने लगे, है ना। तो अब आप दोस्तों इसको व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी कुछ है पर्टिकुलर आपको डॉक्यूमेंट निकाल कर भेजना है अलग अलग करके, वो इस तरह से आप कर सकते हैं। बस आपको टूल की हेल्प लेनी है, यहाँ पर स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम की वेबसाइट में पीडीएफ टू जेपीजी। अब दोस्तों आप इसकी पीएनजी बना सकते हो और भी एमएस वर्ड में आप यूज कर सकते हो, जहाँ आपको करना है वहाँ कर सकते हैं। एक्स अगर लोगो है पर्टिकुलर तो आप लोगो लगा के यहाँ से अलग करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, जो भी चीज़ है उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको पर्टिकुलर पार्ट को निकाल के यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पीडीएफ फाइल के अंदर सभी पेजेस को हम अलग अलग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।